Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business study. हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है. एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का, ठीक है, जिसमें हम जनरल इंश्योरेंस चेक करते हैं, और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट. तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके बेसिकली टू टाइप के हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति से रिलेटेड, एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इस लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता ही है होता क्या है, कोई लाइफ के लिए आपका इंश्योरेंस किया जाता है, आफ्टर अ फिक्स पीरियड आपको आपका अमाउंट वापस पे कर दिया जाता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की तरह भी होता है, ठीक है. ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यहाँ पर आपको अमाउंट की वापसी केवल जब ही मिलती है जब यू हैव टू इंकर सम टाइप ऑफ लॉस. कोई ना कोई लॉस अगर आपको होगा, ओनली देन यू विल रिकवर द कंपनसेशन, अदरवाइज आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता. तो दो तरह के होते हैं आपके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है. आगे है नेक्स्ट, री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम री इंश्योरेंस देख लेते हैं, ठीक है. शॉर्ट में मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम बुक की लैंग्वेज देखेंगे क्या है क्या नहीं है. री इंश्योरेंस में होता क्या है, व्हेन ए कंपनी फील्स बर्डन, एक कंपनी जब बर्डन फील करने लग जाए कि भाई उसके पास बहुत ज्यादा इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, और जिसके कारणों से लगता है कि उसका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, और हो सकता है इतना ज्यादा रिस्क को वो बियर ना कर पाए. तो जब कंपनी को बहुत बर्डन फील होना महसूस हो जाता है कि भाई उसके पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बहुत ज्यादा आ चुके हैं इंश्योरेंस के, और हो सकता है वो इतना ज्यादा रिस्क को बियर ना कर पाए, तो इसीलिए फिर वो करती क्या है, ठीक है, उन कॉन्ट्रैक्ट को किसी और कंपनी से इंश्योर्ड करा लेती है, ठीक है. भाई कोई मिस्टर ए था, ए आया किसके पास, ए आया, ठीक है, एक्स कंपनी के पास. एक्स कंपनी ने अब क्या किया, इस इंश्योरेंस को किसी जेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया. तो यहाँ जो एक्स कंपनी वो इंश्योर्ड भी रहेगी और इंश्योरर भी रहेगी. इसने अपना इंश्योरेंस जेड कंपनी से करा लिया, जबकि जो ओरिजिनल इंश्योरर था मिस्टर ए, उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, हिज स्टेटस विल नॉट बी चेंज एट ऑल, ठीक है. अगर कोई कंपनसेशन होता है तो वो डिमांड करेगा एक्स कंपनी से, एक्स कंपनी आगे उसे जेड से डिमांड कर लेगी. तो ये होता है री इंश्योरेंस करना. क्यों किया जाता है, जब कंपनी अपने रिस्क को बियर करने में, ठीक है, कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करती, उन्हें लगता है कि भाई हमारा रिस्क बहुत हाई हो चुका है और अब खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर कि अगर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो फिर शायद कंपनी पे ना कर पाए. तो देखिए, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी गेट इट्स रिस्क इंश्योर्ड फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी, तो जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को किसी दूसरी कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर देती है तो उसे हम री इंश्योरेंस कहते हैं. इन दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द इंश्योर्ड एज वेल एज द इंश्योरर आर द इंश्योरेंस कंपनी. तो इस केस में दोनों ही जो इंश्योर्ड या इंश्योरर होते हैं वो कंपनी ही. When an insurance company finds that its risk has been exceeding a certain limit, जब एक insurance company को लगता है कि भाई उसका जो एक risk है वो certain limit को cross कर चुका है, पार कर चुका है, then it transfers a part of risk to some other insurance company. तो फिर वो क्या करती है, अपने risk को किसी और insurance company में transfer कर देते हैं. दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेन इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. इससे जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था मेन इंश्योर्ड और इंश्योरर का, वो चेंज नहीं होता, ठीक है. आपको बता भी रखा है इसमें, देखिए डायग्राम के थ्रू, कि भाई ए ने अपने इंश्योरेंस कराया बी कंपनी से, बी कंपनी को रिस्क महसूस कर रही थी ज्यादा, उसने ट्रांसफर कर दिया सी को. तो इस तरह से इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देते. ये था आपका री इंश्योरेंस. आगे है डबल इंश्योरेंस. आगे क्या है डबल इंश्योरेंस. तो बेटे डबल इंश्योरेंस सिंपल सी बात है, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी का जब हम दो अलग अलग कंपनियों से इंश्योरेंस करा लेते हैं. प्रॉपर्टी आपकी सिंगल है, प्रॉपर्टी आपकी केवल एक ही है, लेकिन उसका इंश्योरेंस आप अलग अलग कंपनियों से करा रहे हो, तो इट इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस. इसे हम डबल इंश्योरेंस कहेंगे. देखिए, डबल इंश्योरेंस स्टैंड फॉर इंश्योरेंस ऑफ सेम प्रॉपर्टी और पर्सन मोर देन वन टाइम बाय द इंश्योर्ड हिमसेल्फ, ठीक है. तो एक ही प्रॉपर्टी या एक ही पर्सन का एक से ज्यादा बार जब हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो उसे हम डबल इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है. डबल इंश्योरेंस हैज डिफरेंट इंप्लीकेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. दोनों में इसकी डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीकेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन गेट एनी नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो आप एज अ पर्सन कितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं.
ठीक है, ही विल गेट प्री डिटरमाइंड अमाउंट इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड। तो जो अमाउंट आपके लिए तय किया गया है वही आपको मिल जाएगा, या तो कोई मिस हैपनिंग हो जाए तब, या फिर कोई पीरियड एक्सपायर हो जाए तब भी। इट मीन्स ए पर्सन कैन टेक एनी बेनिफिट ऑफ डबल इंश्योरेंस, यानी कि आप डबल इंश्योरेंस का बेनिफिट ले सकते हो। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये तो थी बात लाइफ इंश्योरेंस की, भाई एक पर्सन कितनी ही पॉलिसियां खरीद सकता है अपनी लाइफ इंश्योरेंस से लेकर। अब जनरल इंश्योरेंस की बात सुनिए, एंड इंश्योरेंस कैन गेट मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द सेम प्रॉपर्टी। तो भाई जनरल इंश्योरेंस में बता रखा है कि एक ही प्रॉपर्टी की आप कई सारी कंपनियों से इंश्योरेंस करा सकते हो, बट इन दिस सिचुएशन ऑफ डैमेज, मैंने कल भी बताया था कि लेकिन अगर डैमेज हो जाता है, मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कार का, तीन अलग अलग कंपनियों से, ठीक है, अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा था भाई 5 लाख का, तीन अलग अलग कंपनियों से, ए बी और सी से, 2 लाख इससे, 2 लाख इससे और 1 लाख इससे। तो अब फिर से मैं बता देता हूँ, लॉस होने पर ये नहीं कि हर कंपनी आपको 5-5 लाख रुपए देगी, नो, जितना भी लॉस होगा आपका ये तीनों 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको वो लॉस पे करेंगे, ठीक है। तो आप इंश्योरेंस कितनी ही कंपनियों से करा लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको लॉस की वैल्यू उतनी ही मिलेगी, ये नहीं कि आप 4-5 कंपनियों से कराओगे तो आपको ज्यादा मिल जाएगी, इट इज नॉट लाइक दैट। सो इन दिस सिचुएशन लॉस विल बी शेयर्ड बाय द ऑल द कंपनीज एंड द कंपनसेशन विल बी पेड फॉर द कलेक्टिव पॉलिसी, ठीक है। तो कलेक्टिव पॉलिसी का आपको कंपनसेशन पे किया जाएगा। डिफरेंस देख लेते हैं डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में। पहला डिफरेंस रिलेशन, तो री इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद द इंश्योरर, तो ये इंश्योरर से रिलेटेड होता है, जबकि जो डबल इंश्योरेंस होता है वो इंश्योर्ड से रिलेटेड होता है। इंश्योर्ड, इंश्योरर करने वाला, इंश्योर्ड लेने वाला। नंबर ऑफ इंश्योर, इन केस द नंबर ऑफ ओरिजिनल इंश्योरर इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन, जो ओरिजिनल इंश्योरर होते हैं वो केवल वन होता है, ठीक है, इंश्योरर वन है, इंश्योर्ड कितने भी हो सकते हैं। इन केस द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर, डबल इंश्योरेंस में भाई, ठीक है, मोर देन वन इंश्योरर से हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरर करने वाला, इंश्योर्ड कराने वाला। पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इंश्योरेंस, तो भाई री इंश्योरेंस में द ओरिजिनल इंश्योरेंस स्टेटस कैन नॉट बी चेंज, तो उसका स्टेटस चेंज नहीं हो सकता भाई, उसने जिससे करवाया है इंश्योरेंस उससे ही वो कंपनसेशन की डिमांड करेगा। जबकि जो डबल इंश्योरेंस में है, द ओरिजिनल इंश्योरर कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम ऑल द इंश्योरर्स बट नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस, तो वो सबसे ही, ठीक है, डबल इंश्योरेंस में वो सबसे ही लॉस की डिमांड रख सकता है, लेकिन वो जो लॉस की डिमांड है वो टोटल लॉस से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर यूटिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस भाई कंपनियों के लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि उनका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है, जबकि जो डबल इंश्योरेंस है वो जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आगे है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस वर्ड यूज होता है मेनली जनरल इंश्योरेंस के लिए, जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट हो गया, मैराइन इंश्योरेंस, इनके लिए। जबकि जो एश्योरेंस वर्ड यूज होता है, एश्योरेंस वर्ड यूज होता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि वहां पर आप अश्योर हो कि 100% आपको रुपया मिलेगा ही मिलेगा, या तो किसी मिस हैपनिंग होने पर, या फिर बिफोर, या फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप अश्योर रहते हो कि भाई बीच में अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो आपको फैमिली को मिल जाता है, अदरवाइज पीरियड खत्म होने के बाद आपको मिलता ही है। तो बस यही दोनों में डिफरेंस है भाई, कि जो इंश्योरेंस वर्ड यूज होता है वो इंडेमनिटी के लिए यूज होता है, क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के लिए यूज होता है, जबकि जो एश्योरेंस वर्ड यूज होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इन दोनों में भी एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले रिलेशन देखिए, रिलेशन, इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू फायर एंड मैराइन इंश्योरेंस, तो जो इंश्योरेंस वर्ड है वो मैराइन, फायर, ठीक है, थेफ्ट इनसे रिलेटेड होता है, जबकि जो एश्योरेंस वर्ड है वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ एनी मैन, तो इंश्योरेंस में कंपनसेशन केवल लॉस होने पर ही होता है, जबकि जो एश्योरेंस होता है वहां कंपनसेशन दो सिचुएशन में होता है, या तो लाइफ की डेथ हो जाए तब, या फिर 20 साल पूरे खत्म हो जाए तब। नेचर ऑफ रिस्क का आ गया, इट इज यूज व्हेन द रिस्क इज ऑफ अनसर्टेन, तो भाई इंश्योरेंस जब यूज होता है जब रिस्क आपका अनसर्टेन हो, हमें नहीं पता रिस्क के बारे में, जबकि एश्योरेंस जब पता है जब रिस्क आपको सर्टन हो गया, भाई लाइफ का रिस्क है इसलिए आपको कराना ही है। कंडीशन टू क्लेम, इंश्योरेंस के लिए भाई आपको लॉस दिखाना बड़ा जरूरी होता है, जबकि एश्योरेंस के लिए आपकी पीरियड एक्सपायर हो जाए या बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाए तब आपको पेमेंट मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई इज इंश्योरेंस नीडेड और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस, तो बेटे इंश्योरेंस के तो बहुत एडवांटेज है, इंश्योरेंस की जरूरत बहुत अधिक है हमें।
तो सबसे पहला है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। तो जो इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं, या तो प्रॉपर्टी को या फिर आपकी लाइफ को। लाइफ इंश्योरेंस आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि जो इंडेमनिटी वाले इंश्योरेंस होते हैं वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो पहला एडवांटेज यही है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड है इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। भाई जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी देखने को मिलता है। आप अपनी छोटी मोटी सेविंग से इंश्योरेंस कराते हैं, आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल के बाद जब आपका पीरियड पूरा हो चुका होता है तो आपको एक साथ लंप सम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, तो ये इन्वेस्टमेंट की तरह भी कार्य करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, भाई एक अच्छा एडवांटेज ये भी इसका कि भाई जो रिस्क होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, आपका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। द पॉलिसी होल्डर पे अ प्रीमियम, पॉलिसी होल्डर आपको रेगुलर प्रीमियम पे करता रहेगा, वो इकट्ठा होता जाएगा और एक लार्ज फंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेन एवर एनी पॉलिसी होल्डर इनकर्ड ए लॉस, जब भी आपको कोई लॉस होगा, कोई मिस हैपनिंग होगी, ही इज कंपनसेटेड फ्रॉम दिस फंड, इस फंड से आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो इस मैनर में जो रिस्क है आपका वो कई पर्सन में बट जाता है। फिर लोन फैसिलिटी, भाई लाइफ इंश्योरेंस के बॉन्ड को दिखाकर, उन कॉन्ट्रैक्ट को दिखाकर आप लोन ले सकते हो, ठीक है, इजिली आपके लोन मिल सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग दीज लोन इनटू बैड डेट इज वेरी लो। अब ये जो लोन आपको दिया गया है वो बैड डेट में भी नहीं कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो आपका LIC का बॉन्ड है वो जो बैंक होंगे वो गिरवी रख लेंगे, तो LIC का जो इंश्योरेंस का अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा ही नहीं जब तक आपके पास बॉन्ड होंगे ही नहीं, तो इसलिए आपको पे करना ही पड़ेगा उस लोन को। तो बैंक भी श्योर हो जाते हैं कि भाई उनका लोन नहीं डूबने वाला। एंगेजमेंट ऑफ सेविंग, भाई छोटी छोटी सेविंग को बढ़ावा देती है ये चीज कि भाई हम हर 6 महीने में, हर 3 महीने में अपनी छोटी मोटी सेविंग करके अपनी LIC में जमा करते रहें, ठीक है, तो इससे सेविंग को भी बढ़ावा मिलता है। हैंस एवरी पॉलिसी होल्डर ट्राई टू सेव मनी, तो हर कोई मनी को सेव करने की कोशिश करता है। हेल्पफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तो इंश्योरेंस से भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि जो लोगों की छोटी मोटी सेविंग होती है उसका बेस्ट यूज होता है, वो LIC कंपनियों के पास जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट उससे नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, भाई डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट, तो इससे देश की डेवलपमेंट में भी काफ़ी सहायता मिलती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट मिलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होता है और देश की डेवलपमेंट होती है। मोर एम्प्लॉयमेंट, भाई इंश्योरेंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर देती है इंश्योरेंस। थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क एज मार्केटिंग एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कई लोग आपने देखे होंगे LIC के एजेंट बने होकर घूमते इधर उधर, लोगों का इंश्योरेंस पॉलिसी खोलते रहते हैं, तो उनको भी काम मिल जाता है भाई, ठीक है। दे कैन अर्न अ वेरी ब्रेड एंड बटर फॉर देयर फैमिली, तो अच्छे रुपए कमा सकते हैं भाई इसके जरिए। रिबेट इन इनकम टैक्स, भाई LIC के एक बड़ी बहुत बड़ी छूट भी मिलती है आपको इनकम टैक्स के अंदर, जब आप इनकम टैक्स भरने जाते हो तो फिर आपको, ठीक है, एग्जम्पशन दी जाती है इसकी, ATC के अंदर ये एग्जम्पशन आती है, ठीक है, तो उसका भी फायदा आपको मिलता है, टैक्स आपका बच जाता है। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब है हेल्थ इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क, कुछ अदर रिस्क के इंश्योरेंस आपको बताएं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और फिडेलिटी इंश्योरेंस आपका आएगा। तो आजकल देखिए लोगों की हेल्थ भी भाई अलग अलग तरह से इफेक्ट होती है, अलग अलग तरह के रोग, हार्ट अटैक, ठीक है, स्ट्रोक, सब अलग अलग चीज़ें, आजकल कोरोना भी आ चुका है, तो अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए हम अपनी हेल्थ का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इफ समबडी फॉल इल एंड हैज टू स्पेंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज इलनेस, द इंश्योरेंस कंपनी कैन हेल्प इन मीटिंग द मेडिकल एक्सपेंस। तो अगर आपने हेल्थ का इंश्योरेंस कराया हुआ है और आप बीमार पड़ जाते हो तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो भी खर्चा आता है फिर वो इंश्योरेंस कंपनी पे करते हैं। इन ऑर्डर टू गेट दिस फैसिलिटी वी हैव टू गेट अवर सेल्फ इंश्योर्ड, तो इसलिए हमें अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा इंश्योर करना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन हैड फ्रॉम एनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योरेंस कंपनी अश्योर द पर्सन दैट इन लियू ऑफ द प्रीमियम, तो भाई इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको एश्योरेंस प्रोवाइड कराती है कि एक पर्टिकुलर प्रीमियम के बदले दे विल पे अमाउंट टू मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज, तो वो आपको मेक श्योर देती है भाई कि आप प्रीमियम पे करते रहिए, उसके बदले जो भी अगर कोई बड़ी बीमारी होगी तो उसका सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। दिस पॉपुलर मेडिक्लेम पॉलिसी इज वेरी पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये काफी आजकल
वेरी पॉपुलर हो चुका है हेल्थ इंश्योरेंस भी. दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आप करा सकते हो. द अमाउंट ऑफ द एनुअल प्रीमियम इज डिटरमिन अकॉर्डिंग टू इंश्योर्ड अमाउंट. एनुअल प्रीमियम भी आपको बता दिया जाता है, ठीक है. फिर इसके बाद फीस की, डॉक्टर, मेडिसिन का खर्चा, हॉस्पिटल का, ये सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पे करती है. तो ये था हेल्थ इंश्योरेंस, जो आज के समय काफी पॉपुलर है कि अलग अलग विभिन्न बीमारियां चल रही हैं, तो आगे एक साथ आप पे लोड ना पड़े इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है. नेक्स्ट है फिडेलिटी इंश्योरेंस. देखिए, कंपनियों में बैठे कई बार चांस बनते हैं चोरी होने के, डकैती होने के. जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वही खुद ही घपला कर देते हैं, वही माल की चोरी वगैरह कर लेते हैं. तो इस तरह से जो कर्मचारियों की डिसहोनेस्टी होती है उससे बचने के फिडेलिटी इंश्योरेंस खरीदा जाता है. इसे सत्यनिष्ठा कहते हैं, फिडेलिटी को हिंदी में निष्ठा. तो देखिए, फिडेलिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड सम एम्प्लॉयर. तो इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच में ये होते हैं. अंडर दिस इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रॉड, डिसहोनेस्टी एंड एम्बेजलमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉयज की डिसहोनेस्टी, एम्प्लॉयर का फ्रॉड, एम्प्लॉयर को गबन कर दे, उसके प्रति सुरक्षा करने के लिए फिडेलिटी इंश्योरेंस खोला जाता है. ये एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है. इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट ब्रीच ऑफ फेथ बाय द एम्प्लॉयर. तो ये इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बाय द ब्रीच ऑफ द एम्प्लॉयर, फेथ ऑफ द एम्प्लॉयर, के भाई एम्प्लॉयज का अगर फेथ है तो उसके प्रति आपको सुरक्षा देता है. एंड सबसिक्वेंट लॉस कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ दिस फेथ, अगर वो फेथ को विश्वास टूटता है जिसके कारण एम्प्लॉयज गबन कर देते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं, तो उससे आपकी सुरक्षा ये करता है, ठीक है. दिस इंश्योरेंस इज मोस्टली टेकन वेयर द एम्प्लॉयज आर इन चार्ज ऑफ कैश एंड गुड्स ऑफ द कंपनी. तो भाई किसी एम्प्लॉयज को अगर आपने कैश का इंचार्ज लगाया हुआ है या गुड्स का इंचार्ज लगाया हुआ है तो फिर ये खरीदा ज्यादा है. कहीं भाई कहीं वो एम्प्लॉयज फ्रॉड ना कर दे, घपला ना कर दे, गबन ना कर दे. इफ सम एम्प्लॉय इंड्यूज इन फ्रॉड, डिसहोनेस्टी, द लॉस इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. तो अगर ऐसे में कोई एम्प्लॉय कर देता है धोखाधड़ी, एम्बेजमेंट कर देता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस पे करते हैं. फीचर देखिए, फिडेलिटी इंश्योरेंस के दो दे रखे हैं, सब्जेक्ट मैटर एंड सर्विस कंडीशन. तो सब्जेक्ट मैटर एक टेंजिबल है अदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन इसके अंदर इनटेंजिबल है, क्योंकि जो डिसहोनेस्टी है, फ्रॉड है, एम्बेजमेंट है, इन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं. सो इन अदर वर्ड, इट कैनॉट बी टच और सीन, इसे नहीं देखा जा सकता. बिल्डिंग, गुड शिप, ये तो टेंजिबल है, लेकिन बाकी चीजें इंटेंजिबल. बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिडेलिटी इंश्योरेंस इज इंटेंजिबल. सो दिस इंश्योरेंस इज गॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिडेलिटी ऑफ एम्प्लॉयर. तो ये जो इंश्योरेंस वो फिडेलिटी यानी कि एम्प्लॉय की सत्यनिष्ठा के लिए खरीदा जाता है. सेकेंड है सर्विस कंडीशन. द सर्विस कंडीशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयर फॉर होम द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन कैनॉट बी चेंज विदाउट कंसल्टिंग द इंश्योरेंस कंपनी. तो भाई सर्विस कंडीशन ये कहती है कि भाई जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनका स्टेटस, उनकी जॉब, भाई चेंज नहीं करनी विदाउट आपको इंश्योरेंस कंपनी से परमिशन लिए, ठीक है. तो ये था आपका फिडेलिटी इंश्योरेंस. थैंक यू वेरी मच.